भिलाई शहर के सबसे व्यस्ततम सुपेला चौक पर आवागमन को लेकर हो रहे दिक्कतों एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया की पहल पर सुपेला चौक को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चर्चा की थी कि सुपेला चौक बंद होने की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसे आवागमन के लिए जल्द खोल दिया जाए, जिसे देखते हुए फ्लाईओवर निर्माण कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अरुण सिंह सिसोदिया के साथ जायजा लिया था, जिसके फलस्वरूप स्थितियों को देखते हुए शुक्रवार को सुपेला चौक और सुपेला फ्लाईओवर का एक हिस्सा आवागमन के लिए खोल दिया गया। जहां फ्लाईओवर पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आवागमन किया जाएगा, वहीं सुपेला चौक पर 2 ट्रैफिक के जवानों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। फ्लाईओवर पर फिलहाल प्रकाश व्यवस्था न होने की स्थिति में शाम 6 बजे के बाद आवागमन बाधित रहेगा। शुक्रवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों एवं फ्लाईओवर निर्माता कंपनी के द्वारा सुपेला चौक खोलने और सुपेला फ्लाईओवर के एक हिस्से को आवागमन के लिए शुरू करने से पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया के साथ मुआयना किया गया एवं फ्लाईओवर के नीचे अव्यवस्थित ढंग से पड़े मलबे को व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई कर सुपेला चौक से आवागमन करने के लिए व्यवस्थित किया गया। देखिए, पिछले काफ़ी समय से इस ब्रिज निर्माण को लेकर यहाँ के पूरे रास्ते बंद थे। स्थानीय लोगों को बहुत समस्या हो रही थी, चाहे वे व्यापारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे ऑटो रिक्शा चालक हो, चाहे मोटरसाइकिल चालक हो। इसको लेकर हम लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की और उसके साथ NHAI के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनसे चर्चा करने के बाद एक पूरी संयुक्त टीम बनाकर पूरा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में जो समझ में आया उसके अनुसार इसे तुरंत चालू करना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने मांग किया, जिसको कि अधिकारियों ने पूरी ताकत लगा के पिछले 4-5 दिन से काम करते हुए आज ये सुपेला चौक चालू कर दिया। और साथ ही साथ ब्रिज जो ऊपर बन रहा था उसको भी वन साइड ओपन करने का निर्णय लिया गया कि उसको खोल दिया जाए ताकि आने जाने वालों को बिल्कुल किसी तरीके का समस्या न हो और दबाव जो है ट्रैफिक का बढ़ सके, जिससे कि लोगों को सुविधा हो। और वैसे भी त्यौहार का समय है, सुपेला मार्केट हो, लक्ष्मी मार्केट हो, आकाशगंगा हो, यहाँ के व्यापारी और यहाँ के खरीदार सारे लोग इतना परेशान थे। ये पूरी पहल कांग्रेस पार्टी के हम लोगों के साथियों के द्वारा की गई और जिसका परिणाम है और सुखद परिणाम है कि इस पूरी व्यवस्था को, इस चौक को और ब्रिज को चालू किया जा रहा है। जी नहीं, देखिए, एक्सीडेंट का घर बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे ट्रैफिक के, हमारे पुलिस के जवान सतत तैनात रहेंगे, जिसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है, अगर कहीं सुविधा मिल रही है तो निस्संदेह उन्हें भी सहयोग करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए कि ऐसी कोई घटना न घटे। और अगर हम सहयोग करते हैं तो इस व्यवस्था बनाए जाने का, खोलने का, चौक को चालू करने का सबको लाभ मिलेगा और धीरे धीरे सभी लोग इस चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे। आम जनता से क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हो सके तो अधिक से अधिक लोग हेलमेट पहने और बाजार के आने जाने समय, गाड़ी चलाते समय नशा न करें। सुपेला चौक के खुल जाने से जहां आकाशगंगा सुपेला के व्यापारियों को इस त्योहारी सीजन में अच्छा व्यापार करने की उम्मीद है, तो वहीं आम जनमानस को आवागमन में हो रही दिक्कतों से भी निजात मिल पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।